ओ सद ते मैं जावा मेरी दिल जानिया मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया तेरे नाम जो कर जावा कम है तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी जीती रहो जीतती रहो। लाखों करोड़ों में कोई मदर टेरेसा बनकर जन्म लेती है, कोई झांसी की रानी, कोई इंदिरा गांधी या देवी का अवतार। ये सारे के सारे नाम एक वीरांगना कर्मठ और कर्मशील के रूप में सभी ने देखे हैं स्वर्गीय श्रीमती ज्योति पप्पू कालानी में। श्रीमती ज्योति को आज उनके नेक कार्यों के लिए अमर ज्योति भी कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। 1975 में कुशल और पारिवारिक गृहिणी के रूप में ज्योति की पहचान हुई श्रीमती ज्योति पप्पू कालानी बनकर। पर यह भी सच है, वक्त या तो रेत की तरह फिसलता है या हजारों आंधी तूफान के थपेड़ों को सहता है, और ऐसे में जो मंजिल को पाले एक नया कारवां बना दे वो ही विजेता कहलाता है। 1986 से उल्लासनगर की कायापलट होने की ऐतिहासिक शुरुआत हुई जब उल्लासनगर की जनता का नायक उनके बीच आ चुका था उनके दुख दर्द दूर करने के लिए पप्पू कालानी के रूप में। जो कोई भी सामाजिक या राजनीतिक शख्स कई सालों में नहीं कर पाया वो हजारों काम कुछ ही साल में पप्पू कालानी जी ने कर दिखाए। शहर में घर घर में खुशियों के दीप जल गए। अब शहरवासियों को महसूस होने लगा था कि वो अकेले नहीं, एक ज्योति उनके जीवन में आ गई है ज्योति पप्पू कालानी के रूप में। इस तरह ज्योति से ज्योति भाभी माँ बहन की छवि लेकर जनता को साथ लेकर चल पड़ी, और इस तरह डायनेमिक लेडी के रूप में श्रीमती ज्योति पप्पू कालानी 2005 में महापौर पद से नवाजी गईं। समस्त उल्लासनगर में खुशियों की लहर आने लगी थी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घर घर छाने लगी थी। मम्मी पापा के आदर्शों पर चलकर धीरे धीरे युवा नेतृत्व के रूप में ओमी कालानी जी उनका साथ दे रही थी। जिला अध्यक्ष श्रीमती पंचम ओमी कालानी जी 17 फरवरी को उनके हजारों कार्यों को याद करके उनका जन्मदिन समस्त शहरवासी मना रहे हैं। महानायक सुरेश पप्पू कालानी, जिला अध्यक्ष श्रीमती पंचम ओमी कालानी, युवा नेतृत्व ओमी कालानी और समस्त कालानी समर्थक, आइए हम सब मिलकर एक दीप जलाएं उस वीरांगना के लिए, उस डायनेमिक उल्लासनगर की शान ज्योति पप्पू कालानी के लिए। धन्यवाद। हमारी स्वर्गवासी भाभी श्रीमती ज्योति पप्पू कालानी का जन्मदिन है। मैं बहुत ही दिल से भावुक होकर उनको उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि देता हूँ। मेरे तरफ से, कालानी परिवार के तरफ से, उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन के तरफ से और न्यू विजन ओमी कालानी के तरफ से। भाभी की बात कहें तो जैसे एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, वैसे ही कालानी महल में वो हम सबका बच्चों जैसा ख्याल रखती थी। और कितना भी हम लोगों ने साथ में काम किया, वो चाहे एमएलए रही, महापौर रही, लेकिन कभी भी उनमें हमने कभी भी एक घमंड जैसी बात कभी देखी ही नहीं। वो ना सिर्फ महिलाओं के लिए बट हम यूथ के लिए भी एक प्रेरणादायक है।